दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर इस क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि आपको अपने डीएसएलआर के साथ कौन सा शॉटगन माइक्रोफोन यूज करना चाहिए, वो भी एक बजट सेगमेंट में। तो इस वीडियो में मैं आंसर के साथ हाजिर हूं। ये है सिडांडे की ओर से माइक्रोफोन 01 और इस वीडियो में मैं इसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू और साथ में आपको एक ऑडियो टेस्ट दूंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं प्लस ऑडियो टेस्ट देने वाला हूं सिडांडे की ओर से एक माइक्रोफोन की, जो कि काफी सस्ता है। देखा जाए शॉटगन माइक्रोफोन में वो सबसे सस्ता है पूरी दुनिया में। तो आइए आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पर। तो दोस्तों, ये है वो माइक्रोफोन जो कि है सिडांडे की ओर से और ये जो माइक्रोफोन है बेसिकली एक शॉटगन माइक्रोफोन है। तो आइए जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के पीछे कई सारी चीजें लिखी हैं, ज्यादातर चीजें चाइनीज में है और यहाँ पर इंग्लिश में भी फीचर्स लिखे हैं, तो आप इसको कभी भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफी सिंपल सी है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में एक पेपर वर्क मिलता है, तो आई थिंक ये इसकी यूजर मैनुअल है। तो इसमें यूजर मैनुअल की उतनी भी जरूरत नहीं है, काफी सिंपल सा माइक्रोफोन है। मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में ही समझा दूंगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है, देखने में कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर आपको एक बैटरी भी दी गई है। तो ये 3 वोल्ट की CR2 बैटरी है जो कि आपको आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलती है, पर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं aliexpress.com से। मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये लगाना पड़ता है अपने माइक्रोफोन में इधर, तो मैं इसको जरा लगाता हूँ। काफी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। रिचार्जेबल नहीं है, एक बार खत्म हो जाए तो आपको नई बैटरी इंसर्ट करनी पड़ती है इसमें। दोस्तों, इसकी साइज का अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा मेरे हाथ से कंपेयर करके। यहाँ पर आपको विंड नॉइस प्रोटेक्शन के लिए ये स्पंजी कवर भी मिलता है। तो अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपको माइक्रोफोन की बॉडी दिखती है। ये मेटल ग्रिल में एम्बेडेड है तो काफी मजबूती भी मिलेगी इसको। ओवरऑल ये प्लास्टिक की बॉडी है और यहाँ पर आपको DSLR के लिए माउंट दिया गया है। और इस साइड देखते हैं तो आपको ऑन ऑफ स्विच मिलती है। यहाँ पर देखिए, अगर आप सबसे इधर रखते हैं तो ये ऑफ कंडीशन पे रहेगा और अगर आप बीच में लाते हैं तो ये 90 डेसिबल्स तक रिकॉर्ड करेगा, और अगर आप सबसे ऑन पे लाते हैं तो ये 120 डेसिबल्स तक रिकॉर्ड करेगा। और एक बात और गौर करने वाली है कि जैसे आप इसको एक बार ऑन करते हैं तो इसकी लाइट बस एक बार ब्लिंक करेगी, ये कंटिन्यूअस नहीं चलेगी। तो ये ना सोचेगा कि ये खराब है। इसकी जो केबल दी गई है वो भी काफी शॉर्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट DSLR में प्लग हो जाता है, तो इसमें ज्यादा लंबी केबल की जरूरत नहीं है। ये लैपल माइक्रोफोन नहीं है। आपको इसमें 3.5 mm का TRRS केबल मिलेगा जो कि L शेप का है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा और ज्यादा समय तक चलेगा, पर ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था इसका बिल्ड क्वालिटी और ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इसका ऑडियो टेस्ट। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग, इसका ओवरव्यू और इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से ये आवाज रिकॉर्ड करता है आपके DSLR में। अभी तक दोस्तों, आप जो आवाज सुन रहे थे पूरी वीडियो में वो रिकॉर्ड हुई थी इस माइक्रोफोन से। ये है बोया की ओर से BY-M1 लेपल माइक्रोफोन और ये भी काफी अच्छा माइक्रोफोन है। इसकी वीडियो में आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइडेड है। तो अभी तक वीडियो में इसी माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अब मैं आपको आवाज सुनाने जा रहा हूँ डायरेक्ट अपने DSLR से कि DSLR में अगर हम डायरेक्ट आवाज रिकॉर्ड करते हैं बिना कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन की तो आवाज कैसी आती है। तो दोस्तों, अब आप जो आवाज सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है डायरेक्टली मेरे DSLR कैमरा में और यहाँ पर मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। DSLR कैमरे में मीडियम सेटिंग्स पर नॉइस रिकॉर्ड हो रही है और मुझे जो लग रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी एको आ रही होगी, क्योंकि आवाज को करीब करीब 4 फीट तक ट्रेवल करना पड़ रहा है और इसमें आपको डेफिनेटली एको देखने को मिलेगा ही। अभी तक आप जो सुन रहे थे वो यहाँ से लेके यहाँ तक आवाज को ट्रेवल करना पड़ा था, पर अभी वहां से तक ट्रेवल करना पड़ रहा है। और DSLR का जो मेन फोकस है या जो कैमरे का मेन फोकस होता है वो वीडियो क्वालिटी पे होता है, आपको वहां पर माइक्रोफोन उतना अच्छा गिवन नहीं होता है। तो अब हम जो अपना एक्सटर्नल माइक्रोफोन है शॉटगन माइक्रोफोन उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं और फिर आप आवाज की क्वालिटी सुनिएगा। तो दोस्तों, अब आप जो आवाज सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है शॉटगन माइक्रोफोन से। जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन मैंने कनेक्ट किया है अपने DSLR से, मैं आपको बता दूं कि पंखा भी बंद है, किसी तरह की बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही है। तो आप ये भी जज कर लीजिएगा कि कितनी बैकग्राउंड नॉइस ये रिकॉर्ड करता है। मैं किसी तरह की एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगा, आपको सिंपली रॉ ऑडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये बात मैं आपको बता दूं कि मैंने तीनों टाइम जब मैं DSLR से इस माइक्रोफोन से और इस माइक्रोफोन से अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं एक ही टोन और एक ही वॉल्यूम में बोल रहा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं कंस्टेंट रहूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जज कर लिए होंगे कि कैसा ये काम कर रहा है और इस हिसाब से आप देखिएगा कि कहीं आपके काम में आएगा या फिर नहीं। दोस्तों, मैंने वापस से ये माइक्रोफोन कनेक्ट कर लिया है अपने DSLR से और अब जो आप बात सुन रहे हैं आप वो इससे रिकॉर्डेड है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगर होंगे तो ब्लॉगर्स के लिए ये जो माइक्रोफोन है ये सूट नहीं करता है। आपको चाहिए है अपने DSLR या फिर कैमरा एक छोटे से आप ट्राइपॉड में पकड़ते हैं और फिर उसके ऊपर एक माइक्रोफोन भी होना चाहिए, क्योंकि उसका जो माइक्रोफोन होता है कैमरा का वो इतना अच्छा तो होता नहीं है। तो आपको उसके साथ एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करने की जरूरत है और तब आपके काम में आता है शॉटगन माइक्रोफोन। तो यही शॉटगन माइक्रोफोन आपके काम में आ सकता है अगर आप एक ब्लॉगर हैं और एक बजट सेगमेंट के माइक्रोफोन की तलाश कर रहे हैं।
दोस्तों मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये वर्थ इट लगा है, मतलब कि अपने कीमत को ही जस्टिफाई करता है। मैंने इसको खरीदा है 800 रुपीज में AliExpress.com से, जो कि चाइनीज वेबसाइट है और इसको आने में काफी टाइम लगा था। अगर आप इसको अमेजोन से भी खरीदना चाहते हैं तो उन दोनों की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अमेजोन से आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये माइक्रोफोन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और ऐसी और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।